जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जियो आई टी 817 अपडेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को ही पता है ये जो आपका केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, ठीक है। आपने दस्तक टीवी की तरफ से एक न्यूज़ सुनी होगी कि ये जो आपकी हेयरिंग डेट है 1 नवंबर, ये आपकी लास्ट हेयरिंग डेट भी हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों जो इसमें लेटेस्ट हलचल है वो क्या हमें देखने को मिली थी, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो अपना रिप्लाई है वो दायर कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, कल ये जो न्यूज़ है वो हमें देखने को मिली थी कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो अपना रिप्लाई है वो दायर कर दिया है। हालांकि कल हमारे पास ये जो रिप्लाई की कॉपी है वो नहीं पहुंची थी। तो अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी तरफ से क्वेश्चन आ रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रिप्लाई में लिखी है, जो इन्होंने अपना एफिडेविट वगैरह पेश किया है उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका केस है क्या लिखा गया है, अंकिता ठाकुर वर्सेज HPSSC। तो देखिए दोस्तों, आप यहां से ये जो आपका रिप्लाई है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि यहां पे मैं बात करने वाला हूं इन शॉर्ट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ये चीज़ सोच रहे होंगे कि जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने क्या ही जो चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी होगी। तो दोस्तों यहां तक मैंने ये जो आपकी जजमेंट कॉपी है इसको पढ़ा है और इसका निरीक्षण किया है, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, जो आपका केस है उसकी हिस्ट्री ही लिखी गई है। यहां पे ये जो आपका पूरा रिप्लाई है इसमें बात हुई है 447 की, और इसी में बात हुई है आपके 556 और 817 की, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू से ही एक बात सुन रहे हैं कि ये जो आपका पोस्ट कोड 447 है ये उस टाइम के जो RNP रूल्स हैं उनके अंतर्गत ही हुआ था। तो यहाँ पे ये जो आपका 447 का मामला है उसको तो हम साइड में ही रख देते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है आपके रिप्लाई पे भी लिखी हुई है और मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं उनको पहले से पता है कि ये जो आपका केस है 447 का वो अलग है। उसके अलावा दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर हमारे 556 के बारे में, जो हमारा ये 556 पोस्ट कोड है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा लास्ट पेज है उसमें एक चीज़ लिखी गई है कि ये जो आपका 556 पोस्ट कोड था उसमें 530 ऐसी पोस्ट थी जिनको कि 817 में ऐड किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपल ऐसा लिखा गया है कि ऐसा जो 556 की 530 ऐसी पोस्टें थी जिनको कि 817 में शामिल किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए दोस्तों आप सभी को पता है 556 का जो मैटर चला था उसमें इनकी जो कई पोस्टें हैं वो खाली रह गई थी, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो उस समय 817 का मैटर था, 817 का जो पोस्ट कोड था उसमें ये जो पोस्टें हैं उनको ऐड कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप यहां से बहुत खुश हो रहे हो कि गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या ही जो चीज़ है वो लिख दी है, तो मैं आपको बता दूं यहां पे गवर्नमेंट ने सिर्फ जो आपका केस है उसकी हिस्ट्री बताई है कि ये जो 447 है इसका ये सीन है, जो 556 है उसमें इतनी जो वैकेंसी है वो 817 में शामिल की गई है। अभी देखिए दोस्तों, बात करेंगे हम 1 नवंबर की। तो एक चीज़ तो क्लियर है, जो गवर्नमेंट है उसने एक स्टेप तो लिया है, जो आपका रिप्लाई है चाहे देर से हुआ है लेकिन फाइल हो गया है। अभी देखिए दोस्तों, पूरी पॉसिबिलिटी है यहां पे जो आपकी 1 नवंबर है उसमें ये जो आपका केस है इसमें कोई बड़ा डिसीजन आ सकता है, क्योंकि देखिए दोस्तों यहां पे जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से रिप्लाई फाइल किया गया है। पहले जब भी हमारा कोई मैटर रहता था उसमें क्या सीन रहता था, जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से जो रिप्लाई है वो फाइल नहीं होता था। और कल आपने एक और न्यूज सुनी होगी कि ये जो आपकी 1 नवंबर की सुनवाई है वो 101% होगी, इसके ये जो आपका सुनवाई है इसके टलने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों फिलहाल हम ये उम्मीद ही लगा सकते हैं कि ये जो आपका सीटों का सिस्टम है इसमें कोई क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि सीटों में अगर क्लैरिफिकेशन कोई होती है तभी आपका जो प्रोसेस है वो आगे चलेगा, चाहे फिर वो आपका 1867 पोस्ट के ऊपर हो चाहे फिर वो आपका 1400 पोस्ट के ऊपर हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।